अनलॉक वन में एक ओर जहां राज्य सरकार के निर्देश के बाद कपड़ा और जूता व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी ओर धनबाद में कई मॉल भी खुले दिखे। धनबाद में वी मार्ट, सिटी स्टाइल और कोलकाता मार्ट के अलावे कई मॉल खुली दिखी। हालांकि मॉल संचालक सारे एहतियात के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते दिखे। साथ ही मॉल संचालकों ने कहा कि ये मॉल नहीं है, हम लोग सिर्फ कपड़ा ही बेच रहे हैं, ये हमारा कपड़ा का शोरूम है। राज्य सरकार ने कपड़ा जूता के साथ ही हम लोगों को भी आदेश मिला है, चूँकि हमारा कपड़े का शोरूम है, मॉल नहीं है। एग्जैक्टली, सरकार की तरफ से हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है और डिपार्टमेंटल स्टोर को गवर्नमेंट की तरफ से खोलने के लिए दिया गया है, और जो भी सरकार की गाइडलाइन है और जो गाइडलाइन में फॉलो करने हैं, जैसे हर एक कस्टमर की एंट्री करते समय थर्मल स्कैनिंग हो, सैनिटाइज करना हो, बच्चों को एंट्री नहीं देना है विदाउट मास्क, अगर बहुत नहायत ज़रूरी है तो, ये सारी जो भी मतलब गाइडलाइन हम गाइड फॉलो अप कर रहे हैं और फॉलो अप के साथ साथ हम अपना कार्य को बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली, हम मॉल में नहीं आते हैं सर, हम डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हैं। एक मॉल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी होती है, जबकि हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर मतलब कि जो भी रेडीमेड शॉप हमारा है वो कपड़े जूते उसमें हम एलिजिबल करते हैं। हमारे पास जो हमने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है वो भी शॉप का ही लिया है, डिपार्टमेंटल स्टोर का ही लिया है, और ऐसे भी हम स्टैंड अलोन है, अकेले हैं यहाँ पे, तो गाइडलाइन के हिसाब से हम अपनी दुकान को खोल सकते हैं। जी नहीं, हमारे पास लिखित भी है, क्योंकि फॉर्मली एक एक को तो लेटर आता नहीं है, एक नोटिफिकेशन होता है जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, और उस नोटिफिकेशन में अगर उस नोटिफिकेशन को हम एलिजिबल करते हैं देन विल बी ओके, हम अपने स्टोर को ओपन कर सकते हैं, और जो भी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है उसको हम एलिजिबल करते हैं, और जो भी फॉलोअप है हम पूरी फॉलोअप कर रहे हैं, चाहे वो थर्मल स्क्रीनिंग हो, सैनिटाइज हो हर दो घंटे के बाद, मतलब कि अपने कैश काउंटर जो भी टच पॉइंट है वो हम स्क्रीनिंग उसका सैनिटाइज करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का गोला बनाया गया हुआ और मैक्सिमम 5 कस्टमर को अलाउ करते हैं, कभी कभी किसी के साथ अगर पेरेंट हो जाते हैं तो 6 हो सकते हैं, मगर 5 से ज़्यादा हम कभी अलाउ ही नहीं करते हैं। हाँ, मॉल खोलने का दिया हुआ है और कंडीशन ये दिया हुआ है कि 5 कस्टमर मेरे यहाँ एंट्री करेगा, जो कि हम वही चला रहे हैं, 5 कस्टमर एंट्री कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, सैनिटाइज हो रहा है गेट पे ही एंट्री के दौरान, सैनिटाइज करने के बाद ही मास्क पहन के ही सारा कस्टमर भी एंट्री कर रहे हैं, स्टाफ भी एंट्री कर रहे हैं। वो 5-6 फीट का डिस्टेंस में है, सारा मैटर हो रहा है, जो भी कस्टमर भी है तो 5 कस्टमर घुस रहा है, बाहर में भी जो कस्टमर है वो डिस्टेंस से ही अपना रह रहा है, 6 फीट के अंतराल में ही सारा कस्टमर भी है, स्टाफ भी है, वैसा चल रहा है। ये तो लिखित तौर पे ही है, मुख्य रूप से ही है कि नहीं मुख्य मतलब ऐसे ही चल रहा है कि दुकान खोलना है, सारा खुला हुआ है तो हम लोग भी खोले हुए हैं। क्योंकि ऐसा है कि अभी राज्य सरकार के द्वारा कपड़ा दुकान को खोलने के लिए परमिशन दिया गया किसी मॉल या जी, तो मेरा तो कपड़ा ही दुकान है सर, मॉल तो है नहीं, कपड़ा दुकान ही है मेरा, तो कपड़ा दुकान खोले हुए हैं हम। ये तो मॉल नहीं होता है ना, मॉल तो जैसे देखिए मॉल वो हुआ जिसमें आपको एक साथ 50 शोरूम खुले हों, जैसे यहाँ पे तो 5 ही मॉल है अपने धनबाद में, 5 मॉल ही है शायद जो अखबार में भी दिया हुआ है, तो इसको तो मॉल में नहीं बोल सकते, इसको शोरूम है। जो मॉल ऐसा होता है जिसके अंदर 50 शोरूम हो, मतलब 50-60 स्टोर हो, दुकान हो, वो मॉल होता है। गारमेंट्स सोशल डिस्टेंस का हमने वो मार्ग बनाया है बिलिंग के लिए, जैसे ये सब हो गया, फिर कस्टमर जो आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एंट्री एक साथ नहीं देना है, ठीक है, वैसे कस्टमर ही नहीं मार्केट में तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे कस्टमर को एंट्री नहीं देना है, मतलब और दूर दूर रहना, स्टाफ को भी समझाया गया है कि आप एक कस्टमर से दूरी बना के रखिए। और तो देखिए शोरूम तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो मॉल के अंदर तो हम लोग आते नहीं है, कपड़ा दुकान बोला हुआ है तो दुकान ही की तरह हो गया सब, ऐसा अगर कुछ लिखा होता तो हम लोग भी आदेश का पालन करते, इतने दिन किए ही हैं आदेश का पालन हम लोग गवर्नमेंट का। परमिशन आप लोगों को खास कर तो नहीं दिया गया? नहीं, पेपर में लिखा हुआ तो उसके बाद ही खोला गया, और जब सब खोला है जैसे यहाँ पे आपका सिटी स्टाइल भी है, सारा खोले हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी मॉल खोलने का दिशा निर्देश जारी नहीं किया है।
इसके बावजूद धनबाद में कई मॉल खुले दिखे। मॉल संचालक ने आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइजर और बिना मास्क के मॉल के अंदर प्रवेश वर्जित कर रखा है। बहरहाल हम जिले के वरीय अधिकारी से बात कर जानने का प्रयास करेंगे कि शहर में मॉल खोलने से संबंधित सरकार के क्या दिशा निर्देश है। कैमरामैन निकुंज के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट, मिरर मीडिया, धनबाद।